बेशक आप लोग ऐसी बात बोल रहे हैं वो उचित है, क्योंकि हम ऐसे सरभरा वर्ग से आए हैं, हम लोगों की जीवनी के बारे में लिखने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। हम लोग अच्छा काम करते हैं उसको भी लोग गलत काम बतलाते हैं, और गलत काम का उजागर तो करते ही हैं। एक बार याद है हमको, अशरफ अस्थानवी साहब एक लेखक थे, उनको भी हमने यही कहा था कि हम गरीबों के जीवनी कौन लिखता है, ये तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं बड़े बड़े लब्ज प्रतिष्ठित पूंजीवादी आदमियों पर रखते हैं। तब उन्होंने एक किताब हम पर लिख दी कि टूटी सिलेट और पेंसिल से मुख्यमंत्री के कुर्सी तक। वो किताबें निकली है हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, तो वहाँ तक हम लिमिटेड थे कि हो गया मेरा। लेकिन जब ये वर्तमान अभी ये लोग हमारे से संपर्क किए, खास करके हमारा जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं सुबोध बाबू, वो भी बहुत साहित्यिक आदमी हैं, तब इनसे पूरा नाम क्या लिखा था, संजीव चंदन, हाँ श्री संजीव चंदन जी से संपर्क उन्होंने किया। संजीव चंदन जी एक किताब नहीं, अनेकों किताब, अनेक जीवनियाँ नहीं, अनेकों जीवनियाँ की बात करती। हमने इनसे कोई आग्रह नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने इंटरेस्ट जताई कि भाई आप जिस तबके से आए हैं और जैसा काम आपका रहा है और मुख्यमंत्री के काल में भी आपका समय रहा है, तो निश्चित रूप में उसको लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। तो हमको भी अच्छा लगा कि भाई जब कह रहे हैं कि ऐसी बात है तो इनको सहयोग करें, और सहयोग में यही कि जब हम व्यस्त रहते थे तो भी ये पहुँच जाते थे और हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को इन्होंने अलग अलग ढंग से निकालने की बात किया। तो मैं तो समझता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को, हम मुख्यमंत्री तक हुए हैं इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जितने आदमियों का नाम इन्होंने अभी लिखाया, जिनके बारे में इन्होंने जीवनी लिखी है, हम समझते हैं कि सबसे नीचे तबके के लोग जाति में भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबसे गए गुजरे लोगों में हम रहे। और एक ब्राह्मण होकर के चंदन जी अपना, जैसा मालूम हुआ है, हमारे जीवनी लिखने में इंटरेस्टेड हुए हैं, इसलिए इनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम समझते हैं कि मेरे जीवन का जो आकृतियां हैं इन्होंने लिखा है, तो हमारे समाज के बहुत लोगों को उसमें लाइन मिलेगा, पथ प्रदर्शन मिलेगा। जैसे एक इंस्टांस हम बतलाते हैं, हम जहाँ जन्मे थे वहाँ पर दो बात, पढ़ाई लिखाई का कोई हिसाब नहीं, राजनीति में आने का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की स्थिति ये हो गई कि मेरे पिताजी नाच करते थे, जैसे जितिया का नाच हुआ, नेटुआ का नाच हुआ, वो करते रहे। और जब कहीं दशहरे के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, वो नाच करने के लिए पैसे लेकर के कुछ लोगों के साथ, समूह के साथ जाते थे, तो वहाँ पर 10 दिन 5 दिन रहते थे और वो गाना गाते थे, और गाना डेली नया नया गाना गाते थे। तो वहाँ के रहने वालों लोगों ने कहा, वहाँ क्या कलनौर एक बस्ती है मखदुमपुर में, वहाँ वो जाते थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप इतना कितना पढ़े लिखे हैं। तो हमारे बाबू जी ने कहा कि बाबू हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कहें कि इतना गाना भजन कहाँ से याद आया, तो कहें कि साहब भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। तब उन्होंने कहा कि आपको बेटा उठा है, तो उस समय हम थे अकेले, हमारा छोटा भाई 8 बरस के बाद हुआ था, हम 7 बरस में रहे होंगे, कहीं हाँ एक बेटा है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटा को पढ़ाओ, और यही भावना लेकर के बहुत कष्ट उन्होंने सहा, मारपीट सहा, घर से बाहर निकलने की तलाशी भी सही, लेकिन बावजूद उसके अपने ये पर वो अड़े रहे और आगे अनेक प्रकार के पढ़ने लिखने की जो बातें हुई, जो किताब में आप देखिएगा, हम 1966 में बीए ऑनर्स के साथ गया कॉलेज से, पढ़े, नौकरियां की, नौकरी की, और उसके बाद फिर 1980 में राजनीति में आया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला।
निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।